आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पत्ते गोभी की सब्जी। काट लिया है और ये पत्ता गोभी उबला हुआ है, इसे मैंने तक निचोड़ के मतलब पानी निकाल दिया। और ये देखिए धनिया पत्ती, तेज पत्ता, और ये अदरक, और ये मिर्ची, और ये रहा जीरा, और ये कस्तूरी मेथी, और ये सारे मसाले मिक्स है, धनिया मिर्ची उर्ची सारे मिक्स है। और ये आलू उबला हुआ, मैं इसके आज सब्जी बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस मैंने डाल दिया इतना तेल। ये देखिए मैंने आलू उबाल लिया है, और यह पत्ता वो भी, इन दोनों को मैंने फ्राई करूँगी पहले, ठीक है। मैं इसे फ्राई कर लूँगी, ठीक है। और ये जो पत्ता गोभी है मैं इसे भी ऊपर से डाल देती हूँ। इन दोनों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। चलिए थोड़ी देर फ्राई होंगे, जब रेड कलर के हो जाएंगे ना तो मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए मैंने इसको फ्राई कर दिया है कि ये रेड रेड होने लगे हैं, मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। मैं इसको फ्राई कर लिया, इसको निकाल देती हूँ। ये तेज पत्ता है, इसे डाल देती हूँ। ये जीरा, तेज पत्ता, जीरा डाल दिया है। ये मिर्ची, हरी मिर्ची, इसको भी डाल देती हूँ। और ये अदरक, इसको भी डाल देती हूँ, भून लेती हूँ। भून रहे हैं, इसमें नमक डाल देती हूँ, इससे कि ना ये टमाटर जो है गल जाएंगे। देखिए टमाटर गलने लगे, इसमें हल्का सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे मसाला पकने के लिए चाहिए। देखिए कस्तूरी में इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। ये जो मैं सब्जी बना रही हूँ ये बिना लहसुन प्याज के हैं, और ये मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा, मेरे माधव, उनको मैं भोग लगाऊंगी। खाना बनाने के बाद मैं उनको भोग लगाती हूँ, तब हम खाते हैं। अब ये मसाला पक गया है, मैं इसमें इसको डाल देती हूँ और इसको चलाते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत टेस्टी लगती है ऐसी सब्जी, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए थोड़ा धनिया पत्ती ऐड करती हूँ, इससे स्वाद आएगा। अब थोड़ा इसे ढक देती हूँ ना कि मसाला पक जाए। जिसमें आपको मतलब इतना पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा पानी डाल देती हूँ।